Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. मम्मी always wanted to do something and she always saw that मुझे बहुत ज़्यादा क्या रुचि है या मेरा बहुत ज़्यादा मन है like I can do something. So she literally fought with everybody in the family, with my daddy, with my papa and she never let us came to us. जितने भी audition देती थी 80% auditions में मैं shortlist हो जाती थी. सिलेक्शन की जब बारी आती थी तब मुझे सुनना पड़ता था कि आप तो बहुत छोटे दिखते हो, आप तो इस कैरेक्टर में जाओगे ही नहीं. द काइंड ऑफ फैमिली आई बिलोंग टू, हमारे यहाँ 22-23 साल में तो लड़कियों की शादी कर देते हैं. हाय, हाउ आर यू आशी? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर सेफ. यस यस, आई एम, टच वुड. टेल मी, हाउ इज द लॉकडाउन ट्रीटिंग यू? हाउ हैव यू बीन? I'm good. Like by God's grace, I'm safe, healthy, fine. My family is fine. We are in the house. हम कहीं नहीं जा रहे. मैं भी घर से बाहर नहीं निकल रही. So we are safe, no doubt. Yeah, it is boring. I agree, but we have no other option. अगर safe रहना है तो घर में रहना ही पड़ेगा. Yeah. I remember Ashi, the last time I spoke to you, you told me how the lockdown was affecting your mentality. Basically, it was taking a toll on your mental level. So now that you are sitting in the house, you're doing a little bit of work, like ab zyada continuity wala work nahi le rahe ho, but you know, how has it been from then till now? I'm someone who loves to go out, who loves to work, aur mujhe itna zyada ghar mein rehne ki aadat nahi hai. And last year it was kind of new thing, so I was so productive. I still am. लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं इट्स काइंड ऑफ अफेक्टिंग, बिकॉज एक साल पूरा ऐसे ही निकाला है तो अब दूसरे साल में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू बी प्रोडक्टिव एंड वो नेगेटिविटी अपने को ना इफेक्ट करने दूँ और थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस देख पाऊँ. सो आई एम जस्ट ट्राइंग ऑल दोस थिंग्स. या बट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कीप काम एंड यू नो एंड नॉट गेट अफेक्टेड बाय नेगेटिविटी ड्यूरिंग सच टाइम्स? इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू. ओके, सो बिकॉज जब आप पूरा दिन घर में रहते हो, आपके पास कुछ नहीं होता करने को एंड न्यूज इज समथिंग विच वी ऑल वॉच. तो हम लोग दिन में इतनी न्यूज देखते थे दैट बाय द एंड ऑफ द डे हमें बस दिमाग में वही चलता रहता था. बहुत ज्यादा यू नो नेगेटिव एनवायरमेंट हो जाता है घर में, सो वो होने लगा था. सो नाउ वी लाइक अवॉइड, हम एक घंटा अगर न्यूज देख लिया तो उसके बाद वी ट्राई कि हम ना देखें और वी ट्राई टू वॉच सम कॉमेडी फिल्म्स. म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी आई वुड से. मेडिटेशन, ऑल दीज थिंग्स आर रियली रियली हेल्पिंग मी एंड माई फैमिली. And there are a lot of comments and messages from fans. Have you bought a new house? Oh yeah, I did. So is it a gift from you to your mom? Yes, it is kind of like everything I have or everything I get, it is for my mother. So yeah, it's a house on mine and mama's name. Okay, and kind when of. Did you decide? I bought it like 5 months back. Yeah, 5 months back. So have you done the decoration, you know, interiors and all by own, or you have taken help from someone? I could not do anything. In fact, मैं अभी तक shift भी नहीं हो पाई हूँ. So जो feeling है, जो जितना excitement था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सा खत्म भी हो गया है. वैसा लग रहा है बस चले जाऊँ because of course of the lockdown and everything going on. So 5-6 महीने हो गए घर खरीद के, but I'm still like not moved in yet. You know, since you come from a small town and you have shifted here to Mumbai, आप आए और यहाँ पे अपनी जगह आपने बनाई इंडस्ट्री में, इनिशियल फेज आपका कितना डिफिकल्ट रहा? आई एम श्योर हैविंग नो गॉडफादर और कॉन्टैक्ट इन द इंडस्ट्री, इट मस्ट बी रियली डिफिकल्ट. Yes, it no doubt. Of course, it was. I guess for 2.5 years, I was just giving auditions and just auditions, like 6-7 auditions in a day. और बहुत से ऐसे ऑडिशंस होते हैं लाइक ओपन ऑडिशंस जिसमें आपको जाके से पूछना पड़ता है डू आई फिट. तो मैंने वैसे ऑडिशंस भी दिए हैं. आई नेवर टुक इट ऑन माय माइंड कि नहीं मैं ऐसे क्यों जाऊं या मुझे नहीं जाना चाहिए. जितने ऑडिशन मुझे पता चलते थे, अगर वो मेरे एज ग्रुप के नहीं भी होते थे, मैं तब भी जाती थी या मैं अपनी प्रोफाइल जरूर सेंड करती थी.
आई हैड दिस फीलिंग कि अगर मैं इस पर्टिकुलर मे बी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में नहीं जा रही, पर हो सकता है कि इन फ्यूचर उनके दिमाग में शायद मैं रहूँ. सो मैंने इस टाइप का चांस हमेशा लिया और मैंने पता नहीं कितनी जगहों पे मेरी प्रोफाइल होगी. सो आई हैव ऑलवेज सेंड दैट एंड डिड इट. एंड वाज देयर द रिजेक्शन फेज आल्सो? रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा? जब 2.5 साल ऑडिशन दिया तो कुछ रिजेक्शंस तो थे, और बहुत बार ऐसा भी हुआ, वो आई गेस सबके साथ होता है, व्हेन यू आर ठीक है मुझे नहीं करना अब ऐसे बोल देते हैं, हमेशा यही हो जाता है मेरे साथ. क्योंकि मैं जितने भी ऑडिशन देती थी 80% ऑडिशंस में मैं शॉर्टलिस्ट हो जाती थी. सिलेक्शन की जब बारी आती थी तब मुझे सुनना पड़ता था कि आप तो बहुत छोटे दिखते हो, आप तो इस कैरेक्टर में जाओगे ही नहीं. एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने मॉक शूट कर लिया था, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थी एंड प्रोड्यूसर सौमी लाइक नहीं आप तो कैरेक्टर में जाओगे ही नहीं, आप तो बहुत छोटे दिखते हो. मैंने कहा तो बुलाया क्यों. सो ऐसा बहुत हुआ. सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करूंगी जब मैं थोड़ी बड़ी दिखने लगूं. पर ग्रेटफुली ये उन दिनों की बात है, मैं मुझे छोटा ही दिखना था तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गई. बट वो आई एम श्योर वो फेस तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा. 2.5 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड. हाउ डिड यू यू नो केप्ट योरसेल्फ पॉजिटिव और आगे कैसे बढ़ते रहे? आई एम श्योर वो वीक मोमेंट्स तो होते हैं सबके, आपको जब बुरा लगता है या हार्ट ब्रोकन. हाँ हाँ बहुत बहुत बार हुआ वैसा. पर सबसे अच्छी बात जो मेरे साथ थी वो ये थी, आई हैव अ वंडरफुल फैमिली. मम्मी ऑलवेज सपोर्टेड मी. मतलब मुझे कभी भी घर से ऐसा सुनने को नहीं, बिकॉज मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती थी, जो मेरे पर्सनल काम चीज़ें होती हैं वो सब मैं कंप्लीट करती थी. एंड जो बोलते हैं ना एक हॉबी का जो टाइम होता है, मैं वो ऑडिशंस पे और इन चीज़ों पे अपना स्पेंड करती थी. तो मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला कि मत, मतलब वो बोलती थी मत जा ऑडिशन पे, पर उनका रीज़न होता था कि क्यों परेशान होती है. बट शी नेवर सेड कि घर में बैठ जा या नहीं हमारे लड़कियों को ऐसा नहीं करना. बिकॉज द काइंड ऑफ फैमिली आई बिलोंग टू, हमारे यहाँ 22-23 साल में तो लड़कियों की शादी कर देते हैं. सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम माई मदर. एंड आई हैड अमेजिंग फ्रेंड्स जो लिटरली जब मैं मेरा वो फेज आता था कि नहीं अब मुझे नहीं करना, मैं थक गई घर घर के और मुझे सिलेक्शन नहीं होता, सो मेरे फ्रेंड्स मुझे लेके जाते थे और ऑडिशन रूम तक छोड़ के आते थे कि नो यू हैव टू डू इट, लाइक आई नो तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर लेगी, तू कर. So yeah, I have wonderful friends and family. They really, really helped me. Right. And so आपकी मॉम ने अपने, अगर बोला जाए तो आपकी मॉम ने कन्विंस किया सबको कि no, let her, you know, just try for some time and you know, she believed in you actually. अगर देखा जाए. True. मैं सही हूँ. मतलब she kept everyone pushing कि नहीं let her grow. या ट्रू. इनफैक्ट ओके सो माय मदर, मतलब मेरी मम्मी जब अपनी पढ़ाई कर रही थी तब उनको IAS IPS की पढ़ाई करनी थी, पर आफ्टर 12th उनकी शादी करा दी. सो मम्मी सो लाइक आई जस्ट टोल्ड यू दैट आई बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ फैमिली जहाँ करा देते लड़कियों की शादी और बाद में उतना टेंशन नहीं चाहिए. सो मम्मी ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग एंड शी ऑलवेज सॉ दैट मुझे बहुत ज़्यादा क्या रुचि है या मेरा बहुत ज्यादा मन है, लाइक आई कैन डू समथिंग. सो शी लिटरली फॉट विद एवरीबॉडी इन द फैमिली, विद माय दादी, विद माय पापा, एंड शी नेवर लेट दैट केम टू अस कि हमें कभी कुछ डायरेक्टली प्रॉब्लम हो घर से, डायरेक्ट मम्मी अकेले ही लड़ लेती है, नहीं ठीक है मेरी बेटी आए ना करेंगी, मैं करवाऊंगी. एंड नाउ तो नोबडी सेज एनीथिंग, बट इनिशियल डेज में इट वॉज अ प्रॉब्लम, बट मम्मी हैंडल्ड एवरीथिंग. Thank you so much, Aashi. Thanks a lot for taking out time and chatting with us. And be safe, be happy. You too, be safe. Thank you. Be safe. Take care, guys. Okay.